हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम इंडिया और चाइना के रिलेशन समझेंगे। ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि इन दोनों कंट्रीज़ में कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर डिस्प्यूट की। ठीक है, वाटर को लेके जो भी इशू चल रहा है इंडिया और चाइना में उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं वाटर डिस्प्यूट की इंडिया और चाइना में, तो हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, अब उससे पहले आपको बता दो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखो, आप मैप देखते जाओ और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। चाइना में जो तिब्बत जगह है, जो जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई किया, आप ऐसे कह सकते हो, वहाँ से रिवर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर इंडिया में एंटर करती है, इंडिया के बाद बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, अब इसके अलग अलग नाम हैं। अगर चाइना की बात करें, चाइना में इसका नाम है यरलुंग त्सांगपो। ठीक है, जैसी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना। इंडिया में से कहा जाता है ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से कहा जाता है जमुना नदी। ठीक है, जमुना रिवर कहा जाता है, बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है किसी और रिवर से मिलकर, फिर लास्ट में बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं। अब हुआ क्या, क्या डिस्प्यूट चल रहा है इसको लेकर वो समझते हैं। देखो, यहाँ पे तिब्बत का, अगर हम चाइना के मैप की बात करोगे, आप तिब्बत को देखो, तिब्बत जहाँ पर है वहाँ पे क्या है, पूरे चाइना में जो वाटर का जो है ना, मतलब वाटर जो डिस्प्यूटेड है, सॉरी, मतलब जिस तरह से वाटर वहाँ पे है, तो किसी जगह पे ज़्यादा पानी है, किसी जगह में कम पानी है। तो तिब्बत वाले साइड की बात करें, वहाँ पे एक्सेस में है वाटर। और अगर हम नॉर्थ चाइना की बात करें, नॉर्दर्न चाइना की बात करें, वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं है और वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। तो चाइना ने क्या कर दिया, इस नदी की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, वहाँ पर इन्होंने डैम बनाने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट किए हुए हैं, कर भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, कई तरह के डैम्स बना भी दिए हैं। ठीक है, क्यों, ताकि उस वाटर तो वो स्टोर कर सके, और दूसरी बात ये कि उस वाटर को डाइवर्ट करना चाहते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाहे इंडिया में जाए, चाहे बांग्लादेश में जाए, ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना उनको। उनको चाहिए कि वो जितना भी पानी है वो सारा नॉर्दर्न चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाए, उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। अब ऐसा ये करना चाहते हैं। ठीक है, अब इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वो इस ब्रह्मपुत्र नदी पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसा कह सकते हो 40 से 50% की जो ज़रूरतें हैं हमारी वो ब्रह्मपुत्र नदी से पूरी होती हैं। ठीक है, अब चाइना ने क्या कर दिया, अगर उसको यूज़ कर रहा है, उसको अपनी तरह से डाइवर्ट कर रहा है, तो नुकसान किसको होना है, इंडिया को और बांग्लादेश को। और ऐसा माना जाता है कि 2030-2040 तक जब वाटर क्राइसिस रहेंगे, तब इंडिया को बहुत ज़रूरत पड़ने लगेगी इस ब्रह्मपुत्र नदी की, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब हुआ क्या, एक तो डैम वगैरह बना रहा है, उसको लेकर इश्यूज चलते हैं। इंडिया का ये कहना है कि आपको डैम वगैरह नहीं बनाने चाहिए, बांग्लादेश भी ऐसे कहता है, बट चाइना मान नहीं रहा कुछ। दूसरी बात ये सॉरी कि 2017 में क्या किया, देखो इससे पहले जैसे हमने लास्ट की वीडियोस में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन समझे थे, क्या डिस्प्यूट्स थे, वहाँ पे वाटर डिस्प्यूट चल रहा था। हमने क्या कर दिया, इंडिया ने क्या किया, जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी की जिसको कहते हैं, वो हमने पूरी की पूरी किसको दे दी, पाकिस्तान को। अभी हालांकि वो निकल रही कहाँ से है, तिब्बत से हो गई, इंडिया में एंटर करते, इंडिया में एंटर करने के बाद वो पाकिस्तान में एंटर करती है, बट हम पाकिस्तान को पूरा यूज़ करने दे रहे हैं। यहाँ पर चाइना की बात देखो, चाइना क्या कर रहा है, चाइना से पानी आ रहा है वहाँ से, लेकिन चाइना पूरी तरह से इंडिया को यूज़ नहीं करने दे रहा, बांग्लादेश को यूज़ करने दे रहा, अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2017 में क्या हुआ, 2017 की बात करें, पहले बायलेटरल वगैरह मीटिंग हुई थी, वहाँ पे एग्रीमेंट्स में साइन किया गया, उसमें कहा गया कि जो भी डेटा होगा, हाइड्रोलॉजिकल डाटा यानी कि जो भी इस पानी नदी से रिलेटेड जो भी डाटा होगा, वो हम सारे शेयर करेंगे, बांग्लादेश को भी बताएंगे, इंडिया को भी बताएंगे, ऐसा कहा गया था। बट 2017 में उसको वायलेट किया गया। कैसे, कई तरह के इश्यूज़ चलते हैं, जैसे डोकलाम इशू को ले लो, इस तरह के इश्यूज़ है, और इंडिया चाइना में वैसे कई सारे इश्यूज़ रहते हैं, तो उनको चलते हुए इन्होंने क्या किया, चाइना ने 2017 में इंडिया को हाइड्रोलॉजिकल डेटा भेजा ही नहीं, मतलब इंडिया को डेटा गिवन दिया ही नहीं कि हमारा जो भी वहाँ पे पानी वगैरह से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, कुछ नहीं बताया उनको। मतलब अब इसे नुकसान देखो कई सारे हो सकते हैं। अब अगर जैसे मान लो कोई बाढ़ वगैरह कभी आ जाती है, अभी हमें पता ही नहीं पीछे नदी के बारे में कितना बहाव है, कितना पानी है वहाँ पे, हमें कुछ पता ही नहीं, और ये डायरेक्टली यहाँ पे सीधा इंडिया में एंटर कर जाएगा, हम अचानक से कैसे कंट्रोल करेंगे इन सारी चीज़ों को, वो कर नहीं सकते। अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं कुछ भी, तो हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। चाइना ने हमें डेटा नहीं दिया, बट बांग्लादेश को डेटा दे दिया। अगर बांग्लादेश को भी डेटा ना देता तो हम कह सकते थे, बट यहाँ पे इंडिया को छोड़ दिया और बांग्लादेश को डाटा दिया। तो यहाँ से साफ पता लगता है कि वो इश्यूज़ को लेकर, जो भी डोकलाम वगैरह इशू चल रहे हैं उसको लेकर, जो चाइना जो अपसेट है इंडिया से, इसलिए ये सब कर रहा है। तो एक इशू तो ये वाटर वाला रह रहा है। ठीक है, मतलब बांग्लादेश को भी नुकसान है, लेकिन वो ज़्यादा बोलता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छी पावर है नहीं उनकी, तो इंडिया फिर भी बोलता रहता है। तो एक ये वाटर डिस्प्यूट रहता है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। आ गए थे हम डोकलाम इशू। डोकलाम इशू क्यों, क्योंकि अभी भी चल रहा है काफ़ी हद तक, अभी भी आप देखते हो लड़ाई वगैरह होती रहती है इसको लेके। इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने वाटर डिस्प्यूट की बात की थी ब्रह्मपुत्र नदी की, चाइना से आई इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश, अब डोकलाम की बात कर लेते हैं। सॉरी, डोकलाम क्या, प्लेट्यू भी है और वैली भी है। ठीक है, ये है कहाँ पर, इंडिया में डोकलाम कहा जाता है, चाइना में से डोंगलांग कहा जाता है। अब ये है कहाँ पर, एक्चुअली में इंडिया के सिक्किम की बात कर लो,
पहले आप इंडिया का मैप देखो, इंडिया के मैप में देखो सिक्किम कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब सिक्किम आपने देख लिया, अब हम थोड़ा और ईस्टर्न साइड की तरफ चलते हैं। अब देखो ये कहाँ पर है, डोकलाम की अगर हम बात करें, इंडिया, चाइना और भूटान, यहाँ पे तीनों के बॉर्डर्स आप कह सकते हो, जंक्शन कह सकते हो, जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे ये वैली या फिर प्लेट्यू कह लो, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं डोकलाम, ठीक है। इंडिया, चाइना और भूटान में तीनों को जहाँ पे मिलते हैं, मेरे से बाउंड्रीज वगैरह मिलती है, वहाँ पर ये आता है। अब यहाँ पर देखो क्या इशू है, यहाँ पे इंडिया की बात कर लो, भूटान की बात कर लो, वहाँ हाई एल्टीट्यूड्स में जो हमारी मिलिट्री है वो इस एरिया में हाई एल्टीट्यूड में है, जबकि चाइना की मिलिट्री हाई एल्टीट्यूड में नहीं है। तो बेनिफिट किसको है, इंडिया को और भूटान को, लेकिन चाइना के लिए ड्रॉबैक है। तो चाइना चाहता है कि इस चीज़ को भी हम सुधारें, क्योंकि बाकी जगह में अगर हम जैसे यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पर वो ऐसा नहीं कुछ, तो चाइना उसको इम्प्रूव करना चाहता है। तो उसके लिए चाइना ने क्या किया, अपने पास जो पीछे अगर हम चाइना की बात करें, जो भी रोड्स वगैरह थी उसको आगे एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। एक्सटेंड करते करते आगे की तरफ एंटर कर गया, जो डोकलाम वाला इलाका है वहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था। 2017 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके कारण क्या हुआ, अब देखो भूटान ज़्यादातर जो ये मसला जो हुआ है ये चाइना और भूटान के बीच में रहता है, चाइना और भूटान के बीच में, ठीक है। सॉरी, अब हुआ क्या है, 2007 की एक एग्रीमेंट थी, इससे पहले भी एक एग्रीमेंट हुई थी, उसको रिवाइज़ किया गया था। मैं बात करूँ इंडिया और भूटान के एग्रीमेंट की, उसमें यह कहा गया था कि कोई भी इंटरनेशनल इश्यूज़ वगैरह रहेंगे वो भूटान के, कोई भी इंटरनेशनल इश्यूज़ रहेंगे वो भूटान इंडिया से डिस्कस करेगा, और इंडिया अगर हेल्प चाहिए होगी भूटान को तो इंडिया उसकी हेल्प भी करेगा। अब यहाँ पर भूटान ने इंडिया से हेल्प मांगी, और ऑब्वियसली इंडिया को भी ज़रूरत थी और भूटान ने भी इंडिया से हेल्प मांगी कि यार यहाँ पे, क्योंकि भूटान इतने स्ट्रांग नहीं है, अगर हम चाइना से कंपेयर करेंगे तो इंडिया फिर भी है, भूटान नहीं है। तो भूटान ने इंडिया की हेल्प ली और इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेजी यहाँ पे, जहाँ पे रोड वगैरह बन रही थी, और उनको रोका वहाँ पे, जो भी चाइनीज वर्कर वगैरह थे उनको मना किया वहाँ पे रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस के उसके बाद क्या हुआ, अब ये देखो अगर ये रोड बन जाती उसके कारण क्या होना था, अगर ये रोड बन जाती उसके कारण क्या होता है, जो चाइनीज जो अगर हम चाइना की बात करें वो सिलीगुड़ी वाले सेक्टर में आसानी से पहुंच सकते थे। सिलीगुड़ी जिसको इंडिया का चिकन नेक भी कहा जाता है, सिलीगुड़ी की बात कर रहे हैं, वो सिलीगुड़ी तक आराम से पहुंच जाते। अगर चाइनीज सिलीगुड़ी तक पहुंच जाते फिर क्या होता, हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, हम कहते हैं 7 सिस्टर्स कहा जाता है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, ये इंडिया से पूरी तरह को अलग कर सकता था इन सभी को। क्यों, अगर चाइना सिलीगुड़ी में एंटर कर जाता तो सिलीगुड़ी एक ऐसी जगह आप कह सकते हो, कैसा जगह है जो क्या कर रहा है, इन 7 सिस्टर्स को यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो इंडिया की, उसको बाकी इंडिया से अलग कर रहा है। अगर चाइना यहाँ पर पहुँच जाता है अपनी मिलिट्री, ऑब्वियसली अगर चाइना सड़क यहाँ पर बना रहा है, कुछ देर में रेलवे लाइन भी बनाएगा और अपने मिलिट्री बेस भी बनाएगा यहाँ पर, मिलिट्री वगैरह आसानी से भेज सकता है यहाँ पर। अगर उनकी मिलिट्री यहाँ पे आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, चाइना उसको भी लेना चाहता है अरुणाचल प्रदेश को, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ऑब्वियसली उनको अलग कर सकते हैं, कभी भी लड़ाई वगैरह वाली बात होगी तो जो 7 स्टेट्स की हम बात करें, 7 सिस्टर्स की बात करें, उसको बाकी इंडिया से अलग कर सकता है और उन पर कब्जा कर सकता है, ठीक है, उनको कैप्चर कर सकता है इजीली। तो ये डर है हमें, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो सिलीगुड़ी तक ना पहुंचे, और भूटान की हेल्प से, भूटान भी चाहते थे कि वो यहाँ पर इंटरफेयर ना करें, तो इंडिया ने क्या किया, उनको रोका सड़क वगैरह बनाने से। तो एक ये वाला इशू चला, डोकलाम इशू, जिसको आप पढ़ते रहते हो कई बार, झगड़े वगैरह तो होते हैं चाइनीज मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के बीच में, वो ये वाला रहा, ठीक है। यहाँ पे एक बात और आपको बता दूँ, जो चाइना है वो मानता है कि डोकलाम जो है वो है ही नहीं, मतलब ट्राई जंक्शन वगैरह कुछ नहीं है, वो हमारा ही इलाका है। भूटान कहता है कि हमारा, चाइना कहता है कि हमारा है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड आपको मैं इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करूँ तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली वीडियो मैंने अलग से बनाई, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बननी थी, इसको मैंने अलग से डिस्कस किया, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या कहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक और इशू यहाँ पे रहता है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाला इशू, ठीक है। यहाँ पे से हम कुछ रिलेशंस भी डिस्कस कर लेंगे, इंडो चाइना के रिलेशंस कैसे रहे और बाद में भी कैसे, वो इस इशू से आपको पता लग जाएगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, देखो 1949 तक यह था कि चाइनीज़ वगैरह जो इतने स्ट्रांग नहीं थे वो हमेशा जब भी लड़ाई करते थे हार जाते थे, सबसे ज़्यादा उनको अच्छे बुरे तरीके से जो हराया था वो जापान ने हराया था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो सीखते गए, सीखते हुए आगे बढ़ते गए। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, हम वीटो पावर की बात करते हैं, इंडिया इसका भी स्टार्टिंग में क्या था, जो वीटो पावर है उसके लिए इंडिया को कहा गया था, बट वहाँ पर हमारे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया इस वीटो पावर के लिए, और क्या कर दिया, चाइना को कहा कि तुम यूज़ कर सकते हो उसको, मतलब तुम्हें चाइना को आगे वो कर दिया, एग्री कर दिया उसके लिए, और चाइना को जैसी अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने ग्रैस्प किया, और वो अब वीटो पावर का आपको पता ही, उनके बारे में चाइना वहाँ पे कितना यूज़ करता है इस चीज़ को,
तो तब हमारे रिलेशंस कितने अच्छे थे देख लो, आज़ादी के टाइम पे भी, और उसके बाद कुछ देर बाद जब वीटो पावर की बात है तो हमने चाइना को आगे कह दिया कि तुम यूज़ कर लो, तो चाइना तो यूज़ कर ही रहा है, तो तब तक हमारे रिलेशंस अच्छे थे। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, फिर आपको पता तिब्बत का इशू रहा था जो चाइना 1950 की बात करें हम, तो इसको कैप्चर कर लिया था तिब्बत वाले इलाके को। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जो भी आए हिंसा वगैरह करते रहे, फिर दलाई लामा वहाँ से इंडिया की तरफ आए थे, फिर कुछ विवाद हुए कि तुम दलाई लामा को यहाँ पर इंडिया में रहने के लिए क्यों जगह दे रहे हो, वो सब कुछ इशूज़ चले जहाँ पर रिलेशन कुछ कुछ बिगड़ते गए हमारे और चाइना के। फिर 1956 में क्या हुआ, चाइनीज़ ने क्या कर दिया, एक रोड बनाना स्टार्ट कर दी, अक्साई चिन, आप देख लो मैप में कहाँ पे, लद्दाख के साइड में जो पड़ता है अक्साई चिन, यहाँ पे क्या कर दिया चाइना ने, तिब्बत और हम बात करते हैं वहाँ पे अक्साई चिन की, चाइना ने वहाँ पे एक रोड लिंक बनाना स्टार्ट कर दिया जिससे वो चाइना को उस अक्साई चिन से कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब इस बात का 1956 की बात है, और इंडिया को पता नहीं लगा, इंडिया को पता लगा इस बात के बारे में 2-3 साल के बाद कि ये क्या कर रहा है चाइनीज़ वगैरह, क्यों रोड वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया ने अपोज़ करना स्टार्ट किया, अच्छे तरीके से अपोज नहीं करा, सिर्फ फॉर्मली ऐसे कि फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे, मतलब हम अपोज कर सकते थे अच्छे तरीके से, बट हमने अपोज नहीं किया, सिंपली ऐसी सिंपल बात है, क्यों भाई ऐसे कर रहे हो, हमने उनको अपना मैप भेजा कि ये हमारे अक्साई चिन हमारे इलाके में रहता, तुम रोड वगैरह नहीं बना सकते, वो सब चलता रहा। फिर आपको जैसे मैंने बताया दलाई लामा भी इंडिया में आए थे, अब ये वाली चीज़ इंडिया और जो चाइना में थोड़े रिलेशन इसके कारण भी बिगड़ते हैं, क्यों वहाँ पर हमारे रोड बना रहे हैं, तो ये सब चलता गया धीरे धीरे। फिर चाइना ने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने कहा कि एक तो तुमने दलाई लामा को यहाँ पर अपनी जगह दिए रहने के लिए, वो हमारा इंटरनल इशू है, तुम उनको जगह दे रहे हो, और उसके बाद तुम अक्साई चीन वाले रोड के हम रोड वगैरह बना रहे हैं ऐसे वैसे, मतलब इन सारी दो जो मेन चीज़ें थी इनके कारण 1962 की वॉर जो लड़ाई हम कह रहे हैं 1962 की लड़ाई वो हुई थी, एक तो दलाई लामा को लेकर तिब्बत इशू को लेकर, एक इस रोड इशू को लेकर। उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि तुम तिब्बत को भी कैप्चर करना चाहते हो, इंडिया को ऐसा कहा, तुम ये सब चाहते हो, तो वो चीज़ करते करते लड़ाई वगैरह स्टार्ट हुई और 1962 की लड़ाई हो गई थी। अब जब 1962 की लड़ाई हुई उसके कुछ सालों बाद, 2-3 सालों बाद एग्रीमेंट वगैरह हुई, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, चाइना ने कहा कि हाँ हम पीछे हट जाएंगे, जो भी तुम्हारे इलाके हमने लिए, जो भी तुम्हारे कैप्चर किए हमने इलाके, वो तुम्हें वापस रिटर्न कर देंगे। तब चाइना ने क्या किया, वहाँ पे देखो मैकमोहन लाइन की अगर हम बात करें जो अरुणाचल प्रदेश को बाकी मतलब चाइना वगैरह से अलग करती है, उसको ये मानते नहीं है चाइनीज़ वगैरह, लेकिन मैकमोहन एक लाइन है जो अलग करती है, आप देख सकते हो ग्राफ में, तो चाइनीज़ यहाँ से पीछे की तरफ तो चले गए, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ से पीछे की तरफ तो चले गए। बट LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसके बारे में J&K वाली वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ से वो पीछे नहीं हटे, ये यहाँ के वहीं रहे। ठीक है, तो इस जगह पर उन्होंने छोड़ा, जो अक्साई चिन की बात करते हैं हम, यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो मतलब अब अक्साई चिन को अलग कर रही है इंडिया से, वैसे हम तो इंडिया का ही पार्ट मानते हैं उसको, बट वैसे अगर मैप में देखो तो एक बाउंड्री दिखती है, टेम्परेरी बाउंड्री LAC जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके इस तरफ जो चाइनीज़ वाला साइड है वहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री अभी भी है, बट यहाँ से वो साइड हो चुके थे, तो ये वाला भी इशू भी रहता है कि ये हमारा पार्ट है, हम कहते हैं अक्साई चिन हमारा पार्ट है, चाइनीज़ कहते हैं हमारा पार्ट है, वैसे अरुणाचल प्रदेश तो हमारा पार्ट है ही, बट फिर भी वो कहते हैं कि चाइनीज़ कहते हैं कि साउथ तिब्बत है, ये इंडिया का अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये तिब्बत का साउथ साइड है, से साउथ तिब्बत कहते हैं और अपने मैप में से वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये वाला इशू भी चलता है इंडिया और अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर। ठीक है, तो ये भी होगा, ये भी हो गया, बाकी ये कुछ मेन इश्यूज थे। तो किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो आज की वीडियो में, अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।